ये मूवी इजिप्ट की, और ये मेरी पहली मूवी है जो मैंने कोई इजिप्ट की कोई मूवी देखी है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 122 या 122 या फिर हिंदी में कहूँ 122 मूवी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है यशीर अल अशीरी ने। इसमें कास्ट है अहमद दाऊद, अमीना खलील, तारिक लौफते और बाकी अन्य कलाकार। वैसे बाकी अन्य कलाकारों में ये जो मूवी है वो 6 से 7 ही करेक्टर्स के अंदर यूज किए गए हैं। तो एक कहानी की बात करें तो 31 साल का आदमी नसर एक लड़की से बहुत प्यार करता है, उमिनिया उसका नाम होता है। वो उसे शादी करना चाहता है लेकिन उसकी आर्थिक हालत इतनी खराब है कि उसके पास शादी करने के लिए पैसे भी नहीं होते। और वो एक जूते की दुकान में काम करता है और उमिनिया एक कोई सलून के टाइप में ऐसे उसमें जॉब वो करती है। तो दोनों दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं ताकि कुछ एक रुपये वो जमा कर सकें और वो शादी कर सकें। नसर ये चीज़ें चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी चीज़ें कर सके लेकिन उसके पास पैसे की कमी है, इसलिए वो अपने काम में एक पुराना जो काम करता था वो ड्रग डीलिंग किया करता था जो उसे वो छोड़ चुका था। अब वो उमिनिया को कहता है कि लास्ट टाइम वो उसे करने दे ताकि वो जैसे तैसे रुपए वहां से इकट्ठे कर सके और उसके साथ वो शादी कर सके। उमिनिया भी इस बात में मान जाती है और बस यही कंडीशन रखती है कि इस बार वो उसके साथ जाएगी क्योंकि ये लास्ट टाइम है। तो दोनों गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं उस लास्ट ड्रग डीलिंग के लिए और रास्ते में हाईवे पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनको एक ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जो अभी नया बन रहा है। और नसर ऐसे एक जाल में फंस जाता है जहां उसे पता चलता है कि यहां पर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकालकर बेचे जाते हैं। तो अब नसर अपनी और ओमिनिया की लाइफ बचाने के लिए वहां कोशिश करता है। जब ये मूवी मैंने देखनी स्टार्ट की थी तो मुझे शुरू में काफी इंटरेस्ट हुआ था क्योंकि इजिप्ट की है, मैं कॉन्सेप्ट देखना चाहता था कि इसमें ऐसा क्या है, लेकिन अपनी स्लो स्पीड के कारण मेरा इंटरेस्ट इसमें थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन इसमें इंटरेस्ट बनता है लास्ट में जाके, जो इसमें ट्विस्ट दिखाए गए, जो इसमें चेंजेस होते हैं, उससे इंटरेस्ट वापस भी आता है। लेकिन वो इंटरेस्ट वापस आने के लिए आपको ये मूवी लास्ट तक देखनी पड़ती है। अब इस मूवी का नाम 122 क्यों रखा गया? जहां तक मुझे लगा कि 122 जो है इसमें एक पुलिस हेल्पलाइन का नंबर है जो इसमें दिखाते हैं, जैसे भारत में 100 है, इजिप्ट में 122 है, तो उसी नाम के उसी हेल्प पुलिस हेल्पलाइन के ऊपर इस मूवी का नाम रखा गया है। और बड़ी कमाल की कन्वर्सेशन दिखाई गई है। एक इंसान जो मरने वाला है वो पुलिस में फोन करता है, कहता है कि यार मैं मरने वाला हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। पुलिस वाला ये कहकर फोन काट देता है कि भाई जो जिस फोन से तू बात कर रहा है वो तेरा है या नहीं है। तो वो इंसान कहता है यार मेरा नहीं है, तो वो पुलिस वाला सामने वो फोन काट देता है। अबे वो मर रहा है, उसकी फट रही है यार, उसकी हेल्प करने जाओ ना कि फोन काटो। कुछ एक सीन है इस मूवी में जिसको देखकर आपकी सांसें शायद थोड़ी रुक जाएं लेकिन इतनी भी नहीं रुक जाएंगी कि आप मरने की हालत में पहुंच जाओ। हाँ, इसमें कुछ एक कमजोरियां भी हैं मूवी में। देखो, इसमें नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलता कि आपने कभी ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं देखा, लेकिन हाँ कुछ एक नया चीज आपको ये देखने को मिलेगा कि ये इजिप्ट की मूवी है। और लास्ट के एक या दो ऐसे ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो आपने सोचे नहीं थे, जो आपने एक्सेप्ट नहीं किए थे कि इस मूवी में ऐसा भी हो सकता है। और जब आप इस मूवी को देख रहे होगे थोड़ा सा ओल्ड टाइप की एक मूवी आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि ओल्ड टाइप की एक कैमरे से ऐसे ऐसे शूट की गई है, तो ऐसा थोड़ा सा फील हो सकता है जो मुझे हुआ ये मूवी देखते वक्त। खैर, मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 5 out of 10 स्टार। बाकी अगर किसी ने मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों ने इस मूवी को देखा तो आपको कैसा लगा या फिर आपका कोई इंटरेस्टिंग सीन कौन सा था। खैर, बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।